सच के साथ। सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन के तहत परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसी परंपरा के तहत शिव भक्त गंगा तट से पवित्र जल लेकर लगभग 3 किलोमीटर चल के बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। मिट्टी के जल पात्र में पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। आज सोमवार को निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान भास्कर की पहली किरण के साथ ही प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से कलश यात्रा की शुरुआत का शंखनाद हुआ। शिव के पसंदीदा वाद्य डमरू की डिम डिम भक्ति भाव का यह मेल अद्भुत वातावरण का एहसास करा रहा था। हालांकि पिछले वर्ष की भांति कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्र तो नहीं रहा, लेकिन महेंद्र प्रसन्ना व उनके साथियों ने शहनाई वादन पर भक्ति धुन छेड़कर माहौल को भक्तिमय बना दिया था। बता दें कि पूर्व के वर्षों में हजारों की संख्या में लोग इस खास दिन पर दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर भव्य शोभा यात्रा के रूप में बाबा के जलाभिषेक को जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मात्र 25 भक्त ही बाबा के इस सामूहिक जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए। बाबा को सदैव जो जिसे जल है उसको चढ़ाया जाता है। पहले तो ये बृहद रूप में होता था, क्योंकि समय को देखते हुए, कोरोना महामारी से देखते हुए अब इसको जो है सीमित रूप से 2 साल से किया गया है। इसके अंदर 21 सदस्य होंगे, 5 4 डबरू दल है, शहनाई वादक। सच के साथ।